हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कनिका बत्रा, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम वीमेंस एडेस रोहतक। होप यू हैव डन दिस वर्क टिल क्वेश्चन नंबर 7। नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8। सी, यस्टरडे वी हैव डन द टॉपिक एरिया। एरिया का फॉर्मूलाज किया था हमने कल, रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स और एरिया ऑफ स्क्वायर ही है, बट द स्टेटमेंट्स आर चेंज। स्टेटमेंट्स क्या है? अ फ्लोर इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है आपके पास, दैट इज़ द फ्लोर, लाइक अ रूम, आपका कोई रूम है उसका फ्लोर है, दैट इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। ठीक है, इसके अंदर एक कारपेट बिछा दिया गया है, उस कारपेट की लेंथ है 3 मीटर, इज़ अ लेड ऑन द फ्लोर, स्क्वायर कारपेट है। सी, दैट इज़ द स्क्वायर कारपेट। तो ये कौन सा कारपेट है आपके पास? स्क्वायर कारपेट बिछा दिया गया है, जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं, 3 मीटर 3 मीटर एंड 3 मीटर। ठीक है, तो कभी भी रूम में कारपेट होता है तो उसका जो साइड वाला एरिया होता है वो क्या होता है? खाली होता है। तो आपको ये निकालना है कि जो खाली एरिया है इसका एरिया कितना है, ये कितना एरिया कवर कर रहा है। तो फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे? फ्लोर का एरिया, एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर निकालने के लिए आपको पहले ये देखना है जो फ्लोर है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो एरिया ऑफ फ्लोर का आप क्या फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि 5 × 4 = 20 स्क्वायर मीटर। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? स्क्वायर कारपेट। अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ कारपेट। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ कारपेट। एरिया ऑफ कारपेट निकालने के लिए हमारे पास ये क्या है? स्क्वायर शेप का है। तो स्क्वायर शेप का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। एंड साइड आपको कितने सेंटीमीटर्स गिवन है? 3 मीटर × 3 मीटर, 3 × 3 = 9 स्क्वायर मीटर। कोई भी चीज़, कोई भी रूम है उसके अंदर कारपेट है, तो जो ये खाली जगह है ये इनर पार्ट में है या आउटर पार्ट में है? इनर पार्ट में है। तो अगर मैं इसके एरिया में से इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या मेरे पास ये आउटर पार्ट का, इनर वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा? तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड, जिसके ऊपर कारपेट नहीं है। तो आप क्या राइट डाउन करेंगे? एरिया ऑफ नॉट कारपेटेड फ्लोर, जिसके ऊपर कारपेट नहीं है। तो 20 स्क्वायर − 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, 20 − 9 = 11 स्क्वायर मीटर। तो आपके पास एरिया ऑफ नॉट कारपेटेड फ्लोर का क्या आंसर आ गया? 11 स्क्वायर मीटर। लाइक दैट यू विल डू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सेम एज इट इज़ आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। जस्ट रीड दिस। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड ईच ऑफ साइड्स 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, एक फ्लोर है उसके अंदर वाली साइड पे एक फ्लावर शेप का बेड बना दिया। ठीक है, इस फ्लावर में जो है ना, फ्लावर है ना, वो स्क्वायर शेप का बना। जो ये फ्लावर है ना आपके पास, ये स्क्वायर शेप पे कवर किया हुआ है। इस स्क्वायर शेप की में है 5 1 2 3 4 एंड 5 शेप्स बनी हुई हैं। जो ये फ्लोर है इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या गिवन है आपको? 5 मीटर और 4 मीटर, यानी कि ये फ्लोर की लेंथ होगी 5 मीटर और 4 मीटर। और जो स्क्वायर बेड है, इसकी आपके पास लेंथ क्या होगी है? 1 मीटर। तो 1 स्क्वायर बेड की लेंथ होगी आपके पास 1 मीटर। इसका हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर बेड इज इक्वल्स टू 1 × 1 यानी कि 1 स्क्वायर मीटर। और आपके पास कितने स्क्वायर बेड है? 5 स्क्वायर फ्लावर बेड। तो आपके पास कितने स्क्वायर बेड हैं? 5 5। आप क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड इज इक्वल्स टू 1 का है 1 और 5 का क्या हो जाएगा? 5 × 1 = 5 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि स्क्वायर बेड की जो लेंथ है वो है 1 मीटर। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर बेड इट्स 1 × 1 = 1 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ 5 स्क्वायर बेड इट्स 5 × 1 = 5 स्क्वायर मीटर। देन आपको फाइंड आउट क्या करना है? एरिया ऑफ फ्लोर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, बिकॉज एरिया फ्लोर इज इन द रेक्टेंगुलर शेप। तो 5 4 आपके पास आ गया 20 स्क्वायर मीटर। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? सी,
व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, उस लैंड का एरिया बताना है जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि यहाँ पे ये फ्लावर बेड हो गया, ये फ्लोर हो गया, ये जो खाली एरिया है ना आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो मीन्स 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 इट्स 15 स्क्वायर मीटर। ठीक है, लाइक दैट यू विल डू क्वेश्चन नंबर 9, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, दैट क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन ग्रेड। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है बेटा, रेक्टेंगुलर्स में इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि आपके पास जो कंप्लीट फिगर है उसके अंदर आपने स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स बनाने हैं या स्क्वायर्स बनाने हैं, आफ्टर दैट उसको हमने सॉल्व करना है। लाइक दैट आपके पास ये फिगर है, तो मैंने एक लाइन तो ड्रॉ कर दी ये कंप्लीट, ठीक है, ये कंप्लीट मैंने ड्रॉ कर दी। ये नीचे वाला पार्ट मेरे पास है 4 सेंटीमीटर का, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ रह गया और 2 सेंटीमीटर यहाँ चला गया, बिटवीन में हो गया ना ये। आफ्टर दैट मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये आपके पास आ जाता है इस टाइप से, आप यहाँ पे ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपके पास है यहाँ से, है ना ये, तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ये ड्रॉ हो गई हमारे पास। इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपके पास क्या हो जाता है, जो ये वाला पार्ट है ये है 3 सेंटीमीटर, तो मींस ये भी क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये ऊपर क्या चला गया 1 सेंटीमीटर, और 2 ये है 1 ये हो गया, ये भी क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास कितनी फिगर्स हो गई हैं, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर। ठीक है, सबका आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करेंगे आप, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, बिकॉज देखो ये वाला 2 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला 2 सेंटीमीटर हो गया, ये सारा मिलके 2 और 2 ये मिलके कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये एंड 2 सेंटीमीटर ये, तो 2, 2 एंड 4 इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, 4 into 2, 4 2 जा 8, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, 3 into 3, 3 3 जा 9, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये हो गया आपके पास 3 एंड ये आपके पास हो गया 1, 3 into 1, 3, नेक्स्ट आपके पास रह गया ये 2, ये वाला 3 और ये वाला 2, इसको यहाँ से हमने मैच करना है, ये आपके पास आ जाएगा 3, 3 एंड 2। मैं एक बार दोबारा से क्लियर कर देती हूँ, फर्स्ट आपके पास ये बॉक्स हो जाएगा 4 into 2 का, नेक्स्ट आपके पास ये वाला बॉक्स हो जाएगा जिसमें आपके पास है ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर इसको हमने इसके साइड से इंक्रीज़ किया है, तो ये भी 3 हो जाएगा, एंड देन आपके पास ये वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा 4, 3, 3 एंड ये 4 है, तो 3 into 4। नेक्स्ट आपके पास एक ये वाला पोर्शन हो जाएगा ऊपर वाला, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपके पास कितने सेंटीमीटर्स का हो जाएगा, ये आपके पास है ऊपर 2 सेंटीमीटर का और इस साइड से 1 सेंटीमीटर, यानी कि 2 into 1। उसके बाद आपके पास ये नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन आपके पास 3 into 3 का है, तो ये हो जाएगा 3 into 3, 9। आप इन सबको प्लस कर देंगे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इन सबको प्लस करके आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट सेम एज इट इज़ आपको इस क्वेश्चन में करना है, देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है, मीन्स जो ये वाली है ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 1 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया, मीन्स ये 1 ये 1 ये 3 ये कंप्लीट लाइन, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स, तीनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसके लास्ट में आपने क्या यूनिट राइट डाउन करनी है, सेंटीमीटर्स, तो आप क्या राइट डाउन करेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, सी इसको मैंने यहाँ से इंक्रीज़ किया, ये कंप्लीट 12 है, तो ये भी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब ये 8 है, ये 10 है, यहाँ से ये कम हो गया ना,
यहाँ से ये कम हो गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये 8, यानी कि ये फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये आपके पास सेकंड बॉक्स हो गया। सेम एज इट इज़ हम इसमें करेंगे, एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट बॉक्स, ये आपके पास हो गया सेकंड बॉक्स, ये आपके पास हो गया थर्ड बॉक्स। ध्यान किस चीज़ का रखना है आपने, ये फर्स्ट बॉक्स आपके पास जो है ये स्क्वायर बॉक्स है, जो थर्ड बॉक्स है आपके पास ये भी स्क्वायर बॉक्स है, बट जो ये वाला बॉक्स है ये आपके पास क्या बन गया है, रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो ये 7 है, ये 7 है, ये बीच वाला 7 भी आपको इन्वॉल्व करना है। 7 7 14, 14 प्लस 7 21, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 21 मिडल वाला, और ये 7, ये 7, ये 21, ठीक है। तो इसको ध्यान से सॉल्व करके आपको प्लस करना है। नेक्स्ट आपके पास ये टी शेप है, इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया, तो ये फर्स्ट पोर्शन हो गया आपके पास, ये सेकंड पोर्शन हो गया। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, दैट इज़ 4, दैट इज़ 4, दैट इज़ 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। सी क्वेश्चन नंबर 12 आपको किस वे से करना है, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ, आपको टाइल्स की लेंथ और ब्रेथ गिवन है, लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है टाइल्स की, क्या है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, उसको आपने अरेंज करना है। पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, 12 5 60 सेंटीमीटर स्क्वेयर, उसको आपने अरेंज करना है। एक रूम की लेंथ ब्रेथ ये है, एक रूम की लेंथ ब्रेथ ये है, इन दोनों में। तो आपको ये बताना है कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी इसके अंदर फिट करने के लिए। तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रूम, अब आपको फाइंड आउट करनी है रूम की, तो रूम की लेंथ है पहले वाले की 100 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 144 सेंटीमीटर। इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, 100 × 144, यानी कि 144 00 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आपको ये बताना है हाउ मेनी रिक्वायर्ड टाइल्स, रिक्वायर्ड जब हमें किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करनी होती है, एट दैट टाइम वी आर डूइंग डिवाइड, यानी कि 144 00 को आप 60 से क्या कर दोगे, डिवाइड, ज़ीरो से ज़ीरो कट हो गया, आपको इसको कट करना है। 6 1 6 6 2 12, 14 − 12 2, 6 6 6 4 24, एंड देन 0, तो यानी कि आपको कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 240 टाइल्स की। नेक्स्ट सेम एज इट इज़ आप बी पार्ट का फाइंड आउट करेंगे और उसको भी 60 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। कंप्लीट योर चैप्टर टिल 10.3, आफ्टर दैट वी विल डू द क्वेश्चंस फ्रॉम एल, ओके, डू इट, हैव फन।